नवीन भाई आवाज को सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकन और पाइए नवीन भाई पनवेल, उरन और लोनावला की ताजा तरीन खबरें। नवीन भाई एपीएमसी बाजार आज पूर्ण रूप से बंद होने की वजह से रिटेल बाजार पर कुछ हद तक असर देखने को मिला है और वही जगह होलसेल बाजार में मीटिंग के दौरान व्यापारी वर्ग के लोगों ने बेमुदत एपीएमसी बाजार बंदी का ऐलान भी किया है। इसी विषय को लेकर आज हम जानेंगे रिटेल व्यापार पर क्या असर पड़ेगा और आम जनता को महंगाई की मार को भी झेलना पड़ सकता है सब्जियों और फलों के दामों के प्रति। व्यापारी वर्ग का मानना है कि एपीएमसी बाजार बंद होने से सब्जियों के दाम और फलों के दामों में 50% तक की बढ़ोतरी हो सकती है और व्यापार पर भी भारी असर पड़ सकता है। प्रभाव यही है कि जो छोटे मोटे धंधे वाले हैं उनको पनवेल और दादर जाके माल लेके आने में बहुत ज़्यादा फेयर का और टैक्सी भाड़ा, ऑटो भाड़ा सबका मतलब की दिक्कत बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। और दूसरी बात, यहाँ पे माल लाके और दिन भर बैठना, धंधा करना, कस्टमर को ऐसा लगता है कि मतलब ज़्यादा रेट बोलते हैं कि इधर ये रेट मिलता है, उधर ये रेट मिलता है, लेकिन उनको एक्चुअली मालूम नहीं रहता है कि मार्केट बंद है या नहीं है, माल क्या भाव आ रहा है, क्या भाव नहीं आ रहा है, वो हम लोग को झेलना पड़ता है यहाँ पे। तो यही दिक्कत है और मार्केट बंद है, क्या असर पड़ेगा यहाँ पे? इससे और बढ़ती जाएगी, इससे और तकलीफें बढ़ती जाएगी, क्योंकि जितना दिन तक मार्केट बंद रहेगा उतना दिन कस्टमर को भी दिक्कत होगा और हम लोग को भी धंधा करने में दिक्कत होगा। कहना यही चाहेंगे कि जो भी प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है उसका सोल्यूशन जल्द से जल्द किया जाए, नहीं तो छोटे मोटे लोगों को बहुत तकलीफे होंगी। आता तो आमच्याकडे एवढाच माल आहे, सकाळपासून गिरायक नाही काही नाही, कालपासून पण गिरायक नव्हतं, आज पण गिरायक राहणार, आणि उद्या माल आला तर ठीक, नाही तर आम्ही असेच राहणार। आता आमच्याकडे माल पण नाही, काही नाही काही नाही, हे पण सर्व मार्केट बंद आहे, त्यांचा काय असेल मागणी तिथे पुरी करायला पाहिजे झाला पण सरकारने, तर तेच ते आता गाड्या आल्या का नाही आल्या ते पण माहीत नाही अजून। आता आमच्या धंद्यावरती काय आज गिरायक नाही काय नाही, सकाळपासून असंच बसून आहे सरी माणसं, कुणाचा धंदा नाही, 200-300 रुपये धंदा झाला आज सकाळपासून बस, नाही आमच्याकडे माल एवढाच आहे आज गाडीवरती तेवढा। ऐसा है जे बंद होने के कारण है जे आम जो जनता है उनके लिए भी परेशानी है और जो हम लोग किरकोल बेचते हैं उनके लिए परेशानी है, क्योंकि वहीं से लेकर हम यहाँ पर 1.5 किलो 1/2 किलो बिक्री करते हैं तो माल सही समय पर नहीं मिलेगा तो उसका जो दाम दुगुना हो जाता है। जैसे हमको कल्याण जाकर लाना हो, थाना जाकर लाना हो, पनवेल जाकर लाना हो तो वो असुविधा होती है, तो उसका दाम डबल होता है, वहाँ पर भी बिक्री जो होती है वो डबल करके ही बेचता है लोग, ऐसा कुछ नहीं। और यहाँ जो एपीएमसी का हर जगह से हर वर्ल्ड से यहाँ पर माल आते हैं और सुविधा से मिलता है। कितने परसेंट दाम बढ़ने के? अरे वो समझिए 50% बढ़ सकता है, इसका अनुमान अनुभव है, क्योंकि ऐसा दिखता है हर समय बंदी में कुछ न कुछ होता है प्रॉब्लम। जो एफएमसी समस्या चल रही है उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? अभी कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, सही ढंग से अपना जो भी है सरकार कर रही है, चाहे जो व्यवस्थक है वो करते हैं, उनकी मार्गदर्शन में चलना चाहिए। हम मनमानी करेंगे तो मनमानी हो जाएगा ना, फिर किसकी परेशानी पड़ती है? आम जनता की होती है और क्या, छोटे मोटे कारोबार वालों को परेशानी होती है। रिटेल बाजार में बहुत फर्क है, माल आएगा नहीं तो माल महंगा बिकेगा, जो ग्राहक के पास रहेगा वो महंगा बेचेंगे तो कस्टमर को भी दिक्कत है, हम लोग को भी दिक्कत है। इतना दाम बढ़ने के चांसेस बहुत, दाम बढ़ सकता है, डबल भी हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है, मार्केट बंद रहेगा माल आएगा नहीं तो जो रहेगा वही बिकेगा। व्यापार पर क्या असर पड़ेगा? बहुत असर पड़ेगा, क्या है ग्राहक बोलेंगे बहुत महंगा है नहीं लेंगे, हुआ दुनिया को बताते हैं ग्राहक ऐसा रहता है। और आपको पूरी खबर देंगे एपीएमसी बाजार बंदी व रिटेल के दामों के प्रति क्या असर पड़ेगा। जुड़े रहिए नवीन भाई आवाज के साथ, पल पल की खबर एपीएमसी और रिटेल बाजार के साथ। ब्यूरो जर्नलिस्ट साई पवार के साथ पंकज बेनवंशी की रिपोर्ट।